नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। टीजीटी पीजीटी भर्तियों का हंगामा दोस्तों तेज हो गया है। ये चयन बोर्ड के गेट के सामने जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं नई विज्ञप्ति को लेकर, कि सभी को पता है कि 27,000 टीजीटी भर्ती आने वाली है उस विज्ञप्ति को लेकर, और जितनी भी पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई हैं उस पर दोस्तों इन लोगों का धरना प्रदर्शन चालू है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इनका लोगों का क्या धरना प्रदर्शन चल रहा है और इन लोगों की क्या मांगे हैं। यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन चल रहा है, जिसमें सचिव महोदय उप सचिव नवल किशोर जी द्वारा यह कहा गया कि हम 10 दिन के अंदर आपका कॉलेज अलाट कर देंगे, आप विद्यालय में होंगे, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आप जो है मौज मस्ती करिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 15 दिन से अधिक हो गया, किसी भी साथी को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ये अपना रिजल्ट लेकर के घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लगातार इनको बताया जा रहा है लेकिन इनके द्वारा कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर इनको विद्यालय अलाट करना ही होता तो जितने भी साथी हैं इनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ऐसे भी साथी हैं जो बुलंदशहर से, मेरठ से, आगरा से, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और सिर्फ एक चाइनीज छात्र है। अच्छा, इनको बस यह है कि हमको एक नौकरी मिल जाए और हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। लेकिन चयन बोर्ड लगातार युवाओं के भविष्य के साथ भद्दा मजाक करता आया है और यह जो है 2016 की वैकेंसी है लेकिन अभी तक कॉलेज आवंटन नहीं किया गया। अच्छा, जब भी इनसे मिला जाता है तब यही कहते हैं कि बस हो जाएगा, उसके आगे होता कुछ नहीं है। अगर ये काम करने में असमर्थ हो तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील है कि इनको सीधे रिटायर कर दिया जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करना उतना ही अपराध है जितना कि जैसे महंत गिरी महाराज जी के साथ हुआ है। बहुत बढ़िया, आपको बता दें कि जहां पर रातों रात न्यायालय खुल जाता है लेकिन अपराध जितने भी साथी हैं, क्या इतने बड़े अपराधी हैं कि इनके साथ कोई न्याय नहीं हो पाएगा? भाई ये चाहे तो 24 घंटे के अंदर कॉलेज अलाट कर सकते हैं, कॉलेज में भेज सकते हैं। अगर इनके पास जूता नहीं तो जितने चयनित हैं ये स्वतः कर लेंगे, किसी को एक घंटे के लिए बैठा लेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि विज्ञापन को लेकर के आप देखते होंगे नई नई सूचनाएं आती हैं। जी जी, विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, नई नई सूचना आ रही है, 27,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जो भी हो। इन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है खाली पदों का, उसमें एक लाइन में लिख देते हैं कि एक सप्ताह के अंदर जितने खाली पद है उसका ब्यौरा दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से काठ का घोड़ा होता है बैठा दिया जाए कि अधियाचन मांगा जा रहा है, वो 2015 तक 25 तक आएगा कि 50 तक आएगा, इसका डाटा न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है और न जो सूबे की सरकार है उसके पास। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आज कार्यालय से निकल करके अध्यक्ष सचिव जो भी समझे आकर के यहाँ दरवाजे पर बता दें कि फला तारीख को कॉलेज हम अलाट करेंगे, उसके पहले हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इन लोगों की मांग यही है कि जो पिछले 2016 में जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको ज्वाइनिंग दी जाए और जो 27,000 टीजीटी भर्ती आने वाली है उसका जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें और जल्द जल्द आवेदन की प्रक्रिया चालू करें। और इनकी मांग है कि आज यहां पर चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये इनको आकर कुछ ना कुछ आश्वासन दे कि हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं या फिर आपका नोटिफिकेशन 3 तारीख को जारी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई अपडेट मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से पल पल आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।